कांग्रेस के पूर्व विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा ने काले धन की मदद से चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा भाजपा ने मंदिर तक को दुकान बना दिया। कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी हार के कारणों पर मंथन कर रही है। इस बीच पूर्व विधायक कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह बीजेपी ने काले धन की मदद से चुनाव लड़ा है। मंदिर को इन्होंने दुकान और भगवान को दुकानदार बना दिया। चुनाव आयोग इन चुनावों में आंखों को मूंद कर खड़ा रहा। हम कानून की शरण में जाएंगे। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि मैं ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं करूंगा। विधानसभा चुनाव में जनता ने हमें खूब वोट दिया है, लेकिन सीटों की संख्या कम हुई है। नहीं नहीं, कोई तालमेल में कमी नहीं थी। ये तो काला धन, बहुत सारा काला धन खर्च हुआ है। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना काला धन खर्च हुआ है। ये तो उनसे पूछिए भाई, ईडी से पूछिए, इनकम टैक्स से पूछिए, वहाँ छापे क्यों नहीं मार रहे हैं? ये काला धन चुनाव में कहाँ से आ रहा है? कहाँ ईडी, कहाँ इनकम टैक्स? ईवीएम का कारण नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा बांटा गया है लोगों को, गरीबी का फायदा उठाया गया है, वोट खरीदे गए हैं, ये कारण। मंदिरों में रखा, नाले से लोटा भर के कह रहे गंगा जल, गंगा जी की सौ खाओ, जी क्या गंगा जी का अपमान नहीं है? और मंदिर में पैसा रख के वोट मांगना क्या भगवान का अपमान नहीं है? क्या हिंदू धर्म की आस्था का अपमान नहीं है? किस तरह का हिंदू राज, हिंदू धर्म की बात? अरे कौन सुनने वाला है? खूब शिकायत करी, पकड़े हमने पैसे बांटने वालों को। मंदिर में काला धन रख के चुनाव लड़ा है, मेरे पास प्रमाण है, कोई आए तो बताऊं उसको। बताया चुनाव आयोग का, क्या किया चुनाव आयोग? कुछ नहीं है, बिके हुए हैं सब लोग। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।